हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ विप्लव और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर ड्यूड चैनल। तो आज हम माइनक्राफ्ट में कुछ आपको गेम प्ले दिखाने वाले हैं। तो आज चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे घर के पीछे एक बहुत जैसे एक्वेरियम है। ये घर नहीं है, ये एक एक्वेरियम है जो कि खास मैंने बनाया है, जो कि ग्लास से कवर्ड है और अंदर बहुत सारे पीस आपका छोड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको आज लेके चलता हूँ इस एक्वेरियम के अंदर, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस एक्वेरियम के अंदर ही हम रहने वाले हैं। पहले जबकि मैं सर्वाइवल मोड खेलता था तो मुझे इतना क्रिएटिव मोड पता नहीं था। जबकि मुझे पता चला तो मैंने फर्स्ट टाइम ये घर बनाया है। और जबकि बहुत सारे मुझे कुछ माइनक्राफ्ट के सेटिंग्स पता नहीं है, फिर भी गाइस मैंने अपना बेस्ट तैयार करने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे मछली मैंने छोड़ चुका है। अभी बहुत सारे मछली हमारे घर पे तैर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अभी हम सजाने वाले हैं, जैसे कि और भी ये एक्वेरियम, ये जो घर है वो और भी अट्रैक्टिव लगे। लेकिन हमारे ऊपर कुछ ग्लास नहीं है, और ग्लास इसलिए हमने नहीं दिया क्योंकि हमारे एक्वेरियम में जो मछली है गाइस वो मर सकता है, क्योंकि डॉल्फिन तो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं लेता, वो उसे ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे प्लान लगाया। तो हम पूरे घर में हम लोग ग्लास नहीं लगाने वाले हैं, बस ये लाइटिंग के लिए एक पिलर, मतलब एक समझ सकते कि ऐसे मैंने लगा दिया है। जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं और इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बना देते हैं। ये शो खराब लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे भी थोड़ा ग्लास दे देते हैं और यहाँ पे भी लाइटिंग और लालटेन आपको जला देते हैं। हट भाई मछली, हमें बहुत पहले इस यहाँ पे जब हमने मछली छोड़ा तो बहुत सारे अंडे थे जिसमें हमको पता नहीं था। मैंने एक दो बार तो घोड़ा छोड़ दिया, एक दो बार गधा छोड़ दिया। इसके बाद मैंने देखा कि कौन कौन अंडा किस चीज़ का है, फिर जाके मैंने एक्वेरियम में छोड़ा। ये है हमारे लाइब्रेरी जो हमारे इस रूम के शोभा को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जगह जगह हम लोग छोटा छोटा लाइब्रेरी लगा दे, जो कि हमारे एक्वेरियम वाले रूम जो है हमारे उसको और थोड़ा सा चमक ला दे। तो और कुछ सजाने को अगर चीज़ मिलता है वो लगता है मुझे साइन, अगर वो जो फ्रेम है, फ्रेम हम देने वाले हैं तो फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फ्रेम सेलेक्ट कर लिए हैं और हम यहाँ पे कुछ सजाने वाले हैं ताकि हमारे रूम और भी खूबसूरत से खिलखिला उठे। और एक यहाँ पे तीन खराब लग रहा है तो मैं इसको तोड़ दूंगा, इसके नीचे लगा देता हूँ। सोने के लिए कुछ बिस्तर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बिस्तर लगा दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लुक देने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ हम बोर्ड हमें मिला है, कुछ टेबल अगर क्राफ्टिंग का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, जो हम थोड़ा डिजाइनिंग के लिए हम आप दे सकते हैं। ये सब का मुझे यूज़ तो नहीं पता लेकिन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ओ भाई, ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखा।
एक डॉल्फिन रास्ते में आया था, मैंने उसे मार दिया। ये जो टेबल है ये हमारे इस घर के शोभा को मेरे बेड के पास और बढ़ा देता है। और हम यहाँ पे कुछ लाइटिंग देने वाले हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा उजाला लगे, मेरा बेड अंधेरा में ना रहे। तो जैसे कि अब हम आपको दिखाने वाले इस घर का बाहर का शॉट्स, देखिए इस घर को मैंने ग्लास से ऊपर से बनाया है और कुछ थोड़ा सा आग जला दिया है ताकि वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग रहे आपका। तो ये अब हमारा घर पूरा पूरी तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ऐसे एक्सप्लोर ड्यूट के चैनल पाने के लिए हमें बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो न्यू वीडियो आएगा तो वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम कुछ लाइटिंग के लिए ये लालटेन दे देते हैं और एक शोर लालटेन दे देते हैं जो कि इस ब्लू लाइट और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे हमारे जितना भी तैयारी था सजाने का सब हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इस घर का आपको दिखाने वाले लुक कि कैसा हमारा घर लगता है। तो सुबह होने दीजिए, सुबह में हम दिखाएंगे कि कैसे शॉट्स। ये देखिए सुबह हो गई है और ये हमारा घर बन के तैयार है एक्वेरियम का अंदर, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि मछली भी रहता है और हम भी वहाँ पे एक्वेरियम के अंदर हमारे बेड बिस्तर सब है। बाहर का लुक देख सकते हैं जिसपे मैंने थोड़ा सा अपना टैलेंट थोड़ा सा दिखाया है कि वहाँ पे ग्लास लगा दिया मैंने। रात में मैं ये जो गेम है, मतलब ये मेरे जो गांव को मैं और थोड़ा एडवांटेज, मतलब थोड़ा सा टाउन जैसा करना चाहता हूँ, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम चलते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय। और कुछ आपको कुछ लुक दिखा देते हैं। थैंक्स।